स्टार प्लस की सीरियल गुम है किसी के प्यार में सई और पाकी के बीच अब बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है, क्योंकि विनायक को लेकर वैसे भी दोनों के बीच जंग छिड़ी ही हुई है। एक तरफ पाकी और विराट हैं, जो विनायक को अपने पास रखने के लिए पूजा करवा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वही सई है जो अकेली है, और वो भी विनायक के केस को अपनी तरफ लेने के लिए ही भगवान जी की पूजा कर रही है। दोनों तरफ भगवान जी की पूजा हो रही है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ विनायक को पाना है। पाखी के साथ उसका पूरा परिवार है। तो वहीं सई इस जंग में बिल्कुल अकेली है। विनायक को पाने के लिए सई की जंग वो एकदम अकेले लड़ रही है। कोई भी नहीं है सई के साथ, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि विनायक अब इस परिवार को छोड़कर सई के पास जाए। लेकिन ऐसे में ही पाखी सई को एक ऐसा ऑफर देगी जिसको सोचने पर सई मजबूर हो जाएगी। अब ये ऑफर क्या है, ये हम आपको बताते हैं। पाखी सई से कहेगी, मेरे पास सिवाय विनायक के और कुछ भी नहीं है। मेरा अपना कोई भी नहीं है, विराट भी नहीं और कोई भी नहीं। सिर्फ विनायक के ही दम पे मैं ये जिंदगी जी रही हूँ। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम विनायक को मुझसे मत छीनो। इसके बदले मैं तुम्हें एक ऑफर देती हूँ। ऑफर ये कि तुम विनायक से कभी भी मिलने हमारे घर आ सकती हो, और मैं तुमको इसके लिए कभी नहीं रोकूंगी। इस बात को सुनकर सई एकदम चौंक जाती है, और थोड़ी देर के बाद वो पाखी से कहती है, इससे भी अच्छा ऑफर मैं तुम्हें देती हूँ पाखी। और वो ऑफर ये रहेगा कि विनायक तो मेरे पास ही रहेगा, क्योंकि विनायक मेरा बच्चा है। मैं अब विनायक को खुद से दूर नहीं कर सकती। इतने साल वो वैसे भी मुझसे बहुत दूर रहा है। इसलिए मैं तुम्हें ऑफर देती हूँ, और तुमसे बेटर ऑफर देती हूँ कि तुम हमारे घर विनायक को कभी भी मिलने आ सकती हो। और तो और विनायक तुम्हें माँ कहेगा। इस बात की भी विनायक को छूट होगी, और वो मुझे आई बुलाएगा। भगवान के सामने साक्षी होकर दोनों एक दूसरे से यही बात करती हैं। सई का ये जवाब सुनकर पाखी की बोलती बंद हो जाती है। अब क्या करेगी पाखी? क्या वो सई का ऑफर ठुकराएगी या उसे अपना लेगी? सई पाखी का दिया हुआ प्रसाद ले लेती है, लेकिन पाखी सई का दिया हुआ प्रसाद लेने से भी इनकार कर देती है। तुम जिस चीज के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही हो, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो इच्छा तुम्हारी पूरी हो। उधर दूसरी ओर काकू ने एक ऐसा लॉयर किया है विनायक की कस्टडी के केस में, जो बहुत जाना माना है। तो सबको भरोसा है कि विनायक लौटकर चौहान निवास में ही आएगा, यानी पत्रलेखा के पास ही रहेगा, और सई उधर ये केस हार जाएगी। इस बात का काकू को बहुत भरोसा है। अब विनायक फाइनली किसके पास जाएगा? किसकी कस्टडी फाइनली विनायक को मिलेगी? और क्या विनायक को अपनी माँ चुनने का मौका मिलेगा? इस सीरियल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।